हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है कच्ची कैरी का शरबत। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसके पूरे छिलके निकाल दिए हैं। अब इसके पीसेज करेंगे हम। देखिए, मैंने इसके इतने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें जो पीस करे थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और ये थोड़े पुदीने के पत्ते डाल दूंगी क्योंकि ये बहुत ठंडी रहती है। इसमें एक गिलास में पानी डाल दूंगी और इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। सात चम्मच मैंने चीनी डाली है क्योंकि कैरी खट्टी है, इसकी वजह से चीनी तो अच्छी डालनी पड़ती है। अब इसको मैं बंद करके और इसको पीस लेती हूँ। अब मैंने पीस चुकी हूँ, ये देखिए। अब इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी, एक गिलास और। अब इसमें मैं थोड़ा मसाला डालूंगी, थोड़ा सादा नमक डाला है, ये काला नमक डाला है, ये भुना जीरा और ये काली मिर्च। अब इसको एक बार और हम चलाएंगे। मसाला डाल के मैंने सब पीस लिया है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा शरबत बन गया है। अब इसको हम चलनी लेके बाउल में छान लेंगे। अब ये मेरा शरबत बन गया है। अब मैं इसको गिलास में भर देती हूँ। तो पहले मैं क्यूब डालूंगी, अब मैं इसमें शरबत डाल रही हूँ। अब देखिए, हमारे पीने के लिए शरबत तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना रख देंगे। इसको आप जरूर पीजिए और पिलाइए बच्चों को। तो ये ठंड, ये गर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद है। और आपके ये जो धूप में घूमते हैं बच्चे, बड़े सब घूमते हैं, तो आप इसको जरूर बनाइए, पिलाइए और पीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।